सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। बात राजद की करते हैं। जी हां, राजद ने पटना में कार्यालय के लिए अतिरिक्त जमीन की मांग की है और इसको लेकर के नीतीश कुमार ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि राजद ने जिस स्थान पर भूमि की मांग की थी वो उन्हें दी गई है। पटना में पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब क्या आसमान से जमीन खरीद कर लाएं। बता दें कि राजद ने ऑफिस के लिए अतिरिक्त जमीन की मांग करते हुए तर्क दिया था कि आरजेडी बिहार का सबसे बड़ा दल है और हमारा कार्यालय छोटा है। ऐसे में कार्यालय के पास खाली 14,000 वर्ग फीट जमीन राजद को आवंटित कर दी जाए। राज्य सरकार पहले भी उनकी मांग को खारिज हो चुकी है। शुक्रवार को फिर नीतीश कुमार ने दो टूक लहजे में जमीन नहीं देने की बात कह दी। नीतीश कुमार ने कहा कि राजद क्या बोलता है ये वही जाने। उन्होंने कहा कि 2006 के बाद राजनीतिक दलों के लिए बकायदा इंतजाम किया गया था। राजद ने जिस स्थान पर भूमि मांगी थी वो हमारी सरकार ने ही दी है। अब क्या आसमान से जमीन लाए। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि अगर इस तरह की बात कोई करे तो उसी से पूछ लिया करिए। राजद को जमीन देने के मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक वीडियो जारी करते हुए हमला किया है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा कि जेडीयू कार्यालय 66,000 वर्ग फीट, एमएलए 41, बीजेपी 52,000 वर्ग फीट, एमएलए 74, आरजेडी 19842 वर्ग फीट, एमएलए 75। तेजस्वी ने कहा कि अब माननीय मुख्यमंत्री से सबसे बड़ी पार्टी राजद के कार्यालय के लिए सबसे कम आवंटित जमीन की सच्चाई पर सवाल पूछ लिया तो आलतन गुस्सा आ गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जदयू ने विधायकों के फ्लैट तोड़कर जमीन कब्जाई है। तो फिर आज को इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।